हेलो फ्रेंड्स, डीएलके बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं डीएल कुमार। हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अनेक मॉडल दिए गए हैं। इससे पूर्व की वीडियोस में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के तीन मॉडलों की चर्चा की है, लिपिड सिंगल लेयर मॉडल, लिपिड बाई लेयर मॉडल और सैंडविच मॉडल या ट्राई लेयर मॉडल। हम अब चौथे मॉडल की बात कर रहे हैं भी, जिसका नाम है मिसलेरी मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मिसलर मॉडल, मिसलर मॉडल या मिसेली मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का मिसेली मॉडल। इस मॉडल का प्रतिपादन हिलेर व हाफमैन नामक वैज्ञानिकों ने 1953 में किया। इस मॉडल के अनुसार जल के अणु और वसीय अम्ल के अणु आपस में मिलकर एक गोलाकार इकाइयां बनाता है, जिसे हम कहते हैं मिसेली। तो भाई, इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोलाकार इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम कहते हैं मिसेली। तो मिसेलर मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली मिसेली इकाइयों से मिलकर बनी होती है। जब कोई वसीय अम्ल का अणु या वसीय अम्ल पूर्ण रूप से जल द्वारा घिर जाता है, तो उससे एक रचना बनती है, जिसे हम कहते हैं मिसेली। देखिए भाई, ये जो आपको रचना दिखाई दे रही है गोलाकार, ये है मिसेली। इसी प्रकार ये गोलाकार रचना दिख रही है, ये भी है मिसेली। तो ये रचनाएं अपने को मिसेली, इसमें मिसेली में देखिए ये एक जल का अणु है और इससे ये वसीय अम्ल जल के, जब जल का अणु वसीय अम्लों से या वसीय अम्ल का अणु जल अणु से घिर जाता है, तो एक मिसेल बन जाती है। तो मिसेल जो है वो जल के अणु और वसीय अम्ल के अणुओं से मिलकर बनी हुई रचना है। प्रत्येक मिसेल का व्यास 40 से 70 एंगस्ट्रॉम है। यदि अपन यहाँ मिसेल की जो बनी है इसकी बात करें तो ये 40 से 70 एंगस्ट्रॉम है। यहां से यहां तक की जो दूरी ये 40 से 70 एंगस्ट्रॉम है। मिसेल में जो वसीय अणु या फास्फोलिपिड के जो अणु है उनके ध्रुवीय शीर्ष गोले की परिधि में, ये है ध्रुवीय शीर्ष जो जल रागी प्रकृति के हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं और ग्लिसरॉल के बने हैं जैसे। तो ये मिसेल में जो ध्रुवीय सिरे है वो गोले की तरफ होता है और ध्रुवीय जो पूंछ है, ये जो पूंछ है वो होती है केंद्र की तरफ, जो जल से दूर और जल विरागी प्रकृति के होते हैं। इसमें प्रोटीन स्तर, अब तक अपन ने लिपिड स्तर की बात की, तो ये है भी इसका लिपिड स्तर, जिससे जो लिपिड है वो बना है मिसेल से। प्रोटीन स्तर जो है मिसेल के चारों ओर, ये प्रोटीन के अणु के रूप में जो मिसेल के चारों ओर एकल स्तर के रूप में या एक स्तर के रूप में पाए जाते हैं। मिसेल के बीच में ये आपको एक खाली अवकाश दिख रहा है, जिसमें जल भरा होता है, जो लगभग 4 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं और ये छिद्र आंशिक रूप से लिपिड व प्रोटीन के ध्रुवीय सिरों से घिरे होते हैं। ये छिद्र जो है प्रोटीन व लिपिड के ध्रुवीय सिरों से घिरे होते हैं। तो यह है भी मॉडल प्लाज्मा झिल्ली का, कौन सा मॉडल, मिसेलरी मॉडल या मिसेली मॉडल। इस मॉडल का प्रतिपादन किसने किया भी, हिलेर और हाफमैन ने। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली जो है वो मिसेली इकाइयों से बनी होती है,
मिसेली जो इकाई है वो जल और वसीय अम्ल के अणुओं से मिलकर बनी हुई है और मिसेली के चारों ओर प्रोटीन इकाइयां पाई जाती है, प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। तो ये आपको डायग्राम में मिसेली है और इसमें ये लिपिड के अणु है, ये जल का अणु है और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है या प्रोटीन के अणु है। तो ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।